आईसीयू में भर्ती राजू श्रीवास्तव को आठवें दिन भी होश नहीं आया है। उन्हें 10 अगस्त को हार्ट अटैक पड़ने पर भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक 3 दिन से उन्हें बुखार बना हुआ है। इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए परिवार वालों की आईसीयू में एंट्री बंद करा दी गई है। कॉमेडियन की सेहत में सुधार के लिए ऑडियो थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। राजू के भाई और कॉमेडियन दीपू श्रीवास्तव ने बताया भैया की रिकवरी स्लो है। डॉक्टर बता रहे हैं कि उन्हें होश आने में 4 से 5 दिन का वक्त लग सकता है। भैया को परिवार के रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज सुनाए जा रहे हैं। उनको गजोदर और संगीता के किस्से भी उनकी ही आवाज़ में सुनाए जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने गेट वेल सून का जो मैसेज भेजा था उसकी ऑडियो क्लिप भी उन्हें सुनाई जा रही है। राजू श्रीवास्तव के बड़े भैया के मुताबिक बुखार होने की वजह से डॉक्टर ने वेंटिलेटर ना हटाने का फैसला लिया है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो इसके लिए परिजनों की सहमति से किसी को भी उनके बेड तक जाने की मनाही है। परिवार के सदस्यों को आईसीयू के बाहर एक ग्लास विंडो से राजू को देखने की अनुमति है। राजू श्रीवास्तव का ठेठ कंठुलिया अंदाज पूरे देश को पसंद है। बता दें कि गजोदर और संगीता राजू के पैतृक गांव में रहने वाले लोगों के नाम हैं। हालांकि वे अब इस दुनिया में नहीं है, मगर राजू जब दोनों हाथ उठाकर गजोदर संगीता बिरजू पुत्तन नाम ही लेते थे तो लोग ठहाके लगा के हंसना शुरू कर देते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।